फाइनली 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 गाइस, यहाँ पे हमें एओडी मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो गाइस यहाँ पे रियलमी का एक लेटेस्ट यूआई लॉन्च हो गया 2.0। अब ये रोबोट वाला 2.0 नहीं है भैया, यहाँ पे यूआई नया लॉन्च हुआ है, बोले तो 2.0, और एंड्रॉइड 11 के साथ आएगा। तो हमारे भाई साहब ने क्या क्या कुछ बोला है, तो चलो उसको देख लेते हैं। और जैसे ही अपडेट आएगा और उसमें क्या क्या फीचर्स हमें फील करने को मिलेंगे, तो आपका भाई वीडियो बना के डाल देगा। तो उसके लिए करना क्या है, बेल आइकन को दबा लो ताकि आप तक वीडियो पहुंचे जैसे ही रियलमी यूआई 2.0 आ जाए। तो भैया करना क्या, जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। चलो ऑल द एक्साइटमेंट टुडे, नो 11 मतलब कुछ और भी दिखाने वाले हैं सर जी हमें। 2.0 रियलमी का 2.0 सर जी बता रहे हैं क्या क्या आएगा। ठीक है, ज्यादा क्या करेगा, चरकुट को गोल कर देगा है ना। लेकिन सुन लेते हैं, सुनने में ज्यादा मजा आता है। देखो हम चाहते आपको बता सकते थे, लेकिन इनके मुंह से सुनने में ज्यादा मजा आएगा। देखो बोले ना कि ज्यादा क्या करेगा, चरकुट वाला था अब उसको सर्कल कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, और भी सुनते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। क्रिएटिविटी के बारे में बात हो रहा है। And it complements the need of Gen Z users to express themselves in the most creative fashion. बहुत ज़्यादा English. Realme UI 2.0 is one of the most customizable and the freest OS in the market, giving a highly personalized UI experience for the. मतलब कहने का मतलब यही भाई, हम सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ आप बता रहे हो तो सिंपली बताओ ना। सेब जो है इस टाइप का होता है, लाल रंग का होता है, दुगो बिच्चा होता है, इतना बताने की क्या जरूरत है। बोलो हाँ रंग उंग चेंज किए हैं, तो बहुत घुमा के बोलता है बाबा। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, सुन लेते हैं। ठीक है, खैर कमेंट में जरूर बताना कि आप Realme UI के कितने बड़े शौकीन हो। ठीक है, मेरा प्रश्न भी पूछो तो मुझे तो ठीक ही ठाक लगा, इतना भी बेकार नहीं, काम चल जाता है। कस्टमाइज कर सकते हैं हम लोग सारा कलर्स वगैरह, जो भी 5-6 तरह कलर दिया है, पिंकिश कलर है। और फाइनली 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 गाइस, यहाँ पे हमें एओडी मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। बहुत लोगों का यहाँ पे पूछ रहे थे कि भैया वो एओडी है कि नहीं। वाह, और अरे मेरे भाई कसम से कस्टमाइज पैटर्न भी कर सकते हैं भाई, मतलब मजा टाइप आ जाएगा जिंदगी में। रियलमी 2.0 में तो भाई ये गर्दा मच जाएगा, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं भाई। इस बार इस भाई ने क्या ही बताया, दिल खुश कर दिया मेरे भाई ने। डार्क मोड में भी कुछ चेंजेस हुआ है, लेट्स सी क्या बता रहे हैं भाई। इसलिए मैं बोलता हूं ना कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो यूआई से लेके तो प्लीज फीडबैक में दिया करो, वहां काम होता है। देखो कितना जल्दी काम हुआ है। तीन तरह का यहां पे डार्क मोड में ऑप्शन दिया गया है, मीडियम है, जेंटल है, और एक तरह का और वेरी डार्क, इस टाइप का ऑप्शन दिया गया। आइकन कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हो इस बार, चलो ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है, आइकन कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। और सीमलेस फॉन्ट्स का भी यहाँ पे दिया गया भैया, इसमें भी कुछ कुछ खेला कर सकते हो। मतलब कस्टमाइजेशन को लेके काफी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा 2.0 में। अब जैसे ही अपडेट आएगा भाई मेरे फोन में, भाई मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। फाइनली चलो भाई, एंड्रॉइड 11 भी इसमें दिया गया है, एंड्रॉइड 11 के साथ ये आएगा 2.0। ये सारा चर्चा बता रहे तो मैंने सोचा कि आप लोग से इस तरह से रूबरू हूं तो ज्यादा मजा आएगा। डीप सी प्राइवेसी प्लान, कुछ प्राइवेसी को ले भी के यहाँ पे खेला किया गया है। इनविजिबल डोर है, डोरामोन वाला डोर है, एक तरफ से आप घुसिए, दूसरी तरफ से निकलिए, कहीं भी जा सकते हैं। अरे मतलब ऐप वगैरह अपना डेटा वगैरह वहाँ छुपा सकते हैं, वही है और कुछ ऐसा खास नहीं है। अंग्रेजी में सुनने में ज्यादा मजा आता है ना भाई, अब आप अंग्रेजी में बोलेंगे हमको चाहिए थोड़ा सा खिचड़ी, तो अंग्रेजी में कितना बढ़िया लगेगा, समझ रहे हो ना। पिटल्स दीजिए, प्राइस दीजिए, समझ रहे हो। प्राइवेट स्पेस को भी थोड़ा सा वहाँ पे कुछ दिया गया। चलो सिक्योरिटी को लेके भैया इन्होंने बहुत सारा कस्टमाइजेशन किया है ये बोल रहे हैं, चलो ठीक है, एक अच्छी बात है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बहुत लोग भरोसा ना करने वाले ही चीज पे, क्योंकि बीबी के क्या बोलते हैं कंपनी का ये प्रोडक्ट है ना भाई, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रियलमी हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। As all are smooth using feeling. UI 1.0 is one of the most smooth system in the industry. While Realme UI 2.0 improves further,
पक्का ग्रीन स्क्रीन के पीछे से भाई साहब बता रहे हैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है क्योंकि हिल नहीं रहे हैं। तो गाइस कुल मिला के अगर हम बात करें इसे हम अब चचा को रोकते हैं भैया जी को रोकते हैं कुल मिला के मैंने ये वाला वीडियो देखा तो इस वीडियो में मुझे यही लगा है भैया यहाँ पे कस्टमाइजेशन को लेके बहुत ही ज्यादा चेंजेस किया गया है रियलमी 2.0 में और एंड्रॉइड 11 के साथ आएगा और आपके फोन में 11 जो है और 2.0 सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए जानकारी कहां मिलेगा यहां मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस करना, सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही पता चलेगा कि आपके फोन में आएगा कि नहीं आएगा सबसे पहले मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। और बात करें यहां पर 2.0 को लेकर तो बहुत ही ज्यादा यहां पर फीचर्स लिस्टिक यहां पर दिया गया, बहुत ही सारा ऑप्शन यहां पर दिया गया कस्टमाइजेशन को लेकर, खास करके बहुत सारा जो है यहां पर आप कस्टमाइज कर सकते हो, फॉन्ट्स में जा सकते हो, प्राइवेसी में कर सकते हो, मतलब एक से एक खेला आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल यही था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यहां बता दूं कि क्या यहां पे 2.0 आया है, भाई भाई साहब का ही बोली सुना दूं ताकि आपको भी यहां पे बिलीव हो कि हां भाई ये सारा चीज आने वाला है। लेकिन AOD आने वाला भाई, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आने वाला, बहुत सारे लोग इसे लेके कंफ्यूजन में थे और उन लोगों को ये फीचर चाहिए, तो यहां पे रियलमी वालों ने सुन के बहुत ही अच्छा काम किया। चलो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से, बेल आइकन को जरूर दबाना मेरे भाई, ताकि आपको कैसे पता चलेगा कि 2.0 आपके डिवाइस में आया है कि नहीं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए।